गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। चलिए सभी बच्चे, आज हम क्या पढ़ेंगे? हिंदी रीडर पढ़ेंगे। देखिए ये आपकी हिंदी रीडर की बुक है, अनाया राष्ट्रभाषा हिंदी की पाठ्य पुस्तक। तो ठीक है, चलिए सभी बच्चे आप इसको बुक ओपन कर लीजिए। सबसे पहले आज हम क्या समझेंगे? विषय सूची समझेंगे। देखिए हमारा पार्ट 12 से क्या हुआ था, एनुअल कोर्स स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो देखिए पार्ट 12 में हमने कितने चैप्टर कंप्लीट किए थे? 1 और 2, यानी कि दो करे थे, 14 और 15। ठीक है, तो देखिए पार्ट 13 में हमारा क्या चैप्टर कंप्लीट होगा? चैप्टर यानी कि 16, माँ मैं भी लड़ने जाऊँगा। किस में कंप्लीट होगा? पार्ट 13 में। तो यहाँ सभी सबसे पहले आप यहाँ लिख लीजिए पार्ट 13। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? एनुअल कोर्स कंप्लीट। ठीक है, जैसे हमने आपको पहले बताया था पार्ट 12 में, हमने आपको बताया था पार्ट 12 में हमने दो चैप्टर कंप्लीट करे हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में यानी कि पार्ट 13 में हम चैप्टर 16 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? उसके बाद हमारा एनुअल कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए पेज नंबर है आपका 76। ठीक है, तो सभी बच्चे आप इसको ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 76। ठीक है, तो देखिए यह है आपका चैप्टर 16 पार्ट, चैप्टर का नाम माँ मैं भी लड़ने जाऊँगा, पार्ट हमारा 13। ठीक है, पार्ट 13, यहाँ आप डेट शो कर देंगे जिस डेट में आपके पास वीडियो जाएगी। ठीक है, चलिए सभी बच्चे आप मेरे साथ क्या करेंगे? आप जैसे मैं आपको बताती हूँ हम इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, माँ मैं भी लड़ने जाऊँगा, मैं भी पापा का वेश धर। ठीक है, यानी कि किसने कहा? ये बेटे ने कहा है, माँ मैं भी लड़ने जाऊँगा, पापा का वेश धर, यानी कि पापा का, जैसे पापा अपने वर्दी पहनते थे, अपने वेश धर यानी कि लड़ने के लिए जाते थे, इस तरीके से। दुश्मन को मार गिराऊँगा, माँ मैं भी लड़ने जाऊँगा। ठीक, किसने कहा? ये बेटे ने कहा है, दुश्मन को मार गिराऊँगा, मैं भी लड़ने जाऊँगा। सेना के भर्ती दफ्तर में तू मेरी अर्जी भिजवा दे, यानी कि सेना के दफ्तर में मेरी अर्जी भिजवा दे। पापा की वर्दी लंबी है तो छोटी वर्दी सिलवा दे, यानी कि पापा की वर्दी क्या है? लंबी है, मेरे नहीं आएगी, मैं छोटा हूँ, तो मेरी छोटी वर्दी क्या कर दे? सिलवा दे। मैं छोटा हूँ पर काम बड़े तुझको करके दिखलाऊँगा, मैं छोटा हूँ लेकिन काम बड़े बड़े करके दिखलाऊँगा। माँ मेरी है बंदूक कहाँ जो पापा लेकर आए थे, किसने कहा? बेटे ने कहा, माँ मेरी बंदूक कहाँ है जो पापा ने मुझे ला कर दी थी। ठीक है, कर ठाएँ ठाएँ जिससे मैंने सब चूहे दूर भगाए थे, यानी कि वो बंद लेकर आए थे, यानी कि कर ठाएँ ठाएँ जिससे मैंने सब चूहे दूर भगाए थे, यानी कि ठाएँ ठाएँ करके वो मेरी बंदूक कहाँ जिससे मैंने ठाएँ ठाएँ करी थी और चूहे भगाए थे। अब पाकिस्तानी चूहों को मैं सीमा से दूर भगाऊंगा, जब उसने घर से भगाए थे, अब मैं पाकिस्तानी चूहों को कहाँ से भगाऊंगा? सीमा से दूर भगाऊंगा। नेक्स्ट पेज पर देखिए, पेज नंबर 77 पर। माँ तू एक वीर की विधवा है तो, तू एक वीर की विधवा है तू क्यों होती शर्मिंदा है, यानी कि तू एक वीर की विधवा है तू शर्मिंदा क्यों होती है? तेरी रक्षा के लिए अभी तेरा ये बेटा जिंदा है, यानी कि तेरी हिफाजत के लिए अभी तेरा बेटा क्या है? जिंदा है, तू क्यों शर्मिंदा होती है? मैंने जो तेरा दूध पिया वह दूध ना कभी ले जाऊँगा, जो मैंने तेरा दूध पिया उस दूध को मैं क्या करूँगा? कभी नहीं ले जाऊँगा। ठीक है, ये किसने कहा है? ये अपने देश के लिए कहा है, बेटे ने कहा है, किससे कहा? अपनी माँ से कहा है। तो ये किसने लिखी है? सर डॉक्टर उर्मिलेश। ठीक है, इसके राइटर हैं। तो चलिए देखिए सबसे की हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट उसमें देखिए नेक्स्ट देखिए आपका शब्द अर्थ यानी कि वर्ड मीनिंग आप क्या करेंगे, ये आपको याद करना है। ठीक है, वर्ड मीनिंग्स आपको याद करनी है। दुश्मन शत्रु एनिमी, सेना फौज फोर्स, भर्ती सेना में शामिल होना, देखिए। ठीक है, ये आपको क्या करना है? ये आपको याद करने हैं। ठीक है, वर्ड मीनिंग्स तो यहाँ देखिए नीचे पहला है आपका निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, क्या करने हैं आपको? इनके उत्तर देना है, तो ये हम इसके उत्तर नहीं देंगे। ठीक है, कविता की कहते हैं कविता के क्वेश्चन आंसर नहीं करते, जैसे मैंने आपको चैप्टर 14 में क्वेश्चन आंसर कट करवाए थे, इसी तरीके से आप चैप्टर 16 में भी क्वेश्चन आंसर कट कर देंगे, क्वेश्चन आंसर हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो नीचे नेक्स्ट देखिए कविता पढ़कर पंक्तियाँ पूरी कीजिए, क्या करना है? कविता पढ़ ली हमने, कविता पढ़ ली, अब इसकी हम क्या करेंगे? पंक्तियाँ पूरी करेंगे।
तो पहली देखिए दुश्मन को डैश डैश जाऊंगा। तो पहली देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दुश्मन को, यहाँ तक लिखा हुआ है, उसके बाद में लिखा हुआ है जाऊंगा। तो हमें क्या लिखना है, मार गिराऊंगा माँ मैं भी लड़ने जाऊंगा। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ लिखा है मार गिराऊंगा माँ मैं भी लड़ने जाऊंगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आता है तो आप बुक में से देख करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ निशान लगा दिए हैं। दूसरा देखिए, तेरी रक्षा डैश डैश जिंदा है, यानी कि तेरी रक्षा के लिए अभी तेरा ये बेटा जिंदा है। किसने कहा, ये बेटा ने कहा माँ से। देखिए यहाँ पर, तेरी रक्षा के लिए अभी तेरा बेटा जिंदा है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर देखिए, ये आपका क्या होता है कि आपको बुक पर ही वर्क कंप्लीट करना है, आपको कॉपी पर कंप्लीट नहीं करना है, आपको कॉपी पर करना ही नहीं है, ये आपको बुक पर ही कंप्लीट करना है। नेक्स्ट पेज पर देखिए, आपका पेज नंबर 78 पर, ठीक है, तो देखिए मैं डैश दूध पिया, वह दूध डैश, तो देखिए मैंने जो तेरा दूध पिया वह दूध ना कभी लजाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, मैंने जो तेरा दूध पिया वह दूध कभी ना लजाऊं, ठीक है, ना कभी लजाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, देखिए अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आता है तो आप बुक में से भी देख करके आराम से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तीसरा है आपका, सही कथन पर सही तथा और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो ये आपको क्या करना है, ये भी आपको बुक वर्क करना है, आपको बुक पर ही करना है। तो पहला देखिए, आपका बालक ने कहा मैं दूध कभी ना ला जाऊँगा, राइट, बालक ने कहा। दूसरा देखिए, बालक ने माँ से कहा मैं भी लड़ना जाऊँगा, राइट, कहा माँ से। तीसरा देखिए, बालक शत्रु से भयभीत होकर माँ की गोद में छिप जाता है, रॉक नहीं। चौथा देखिए, बालक की वर्दी पापा की वर्दी से बड़ी थी, राइट, बड़ी थी। पांचवा देखिए, बालक ने कहा मैं बंदूक से चूहे मारूंगा, राइट, कहा है, किसने कहा है, बालक ने कहा है, ठीक है, मारूंगा। तो देखिए पहले में आपका राइट आया है, दूसरे में राइट, तीसरे में आपका रॉन्ग आया है, चौथे में राइट है आपका, पांचवें में राइट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका, ये भी आपका बुक वर्क रहेगा। ठीक है, एक्सरसाइज आपकी 4 देखिए, किसने कहा किससे कहा, यानी किसने कहा किससे कहा, मैं भी पापा का वेशधर दुश्मन को मार गिराऊंगा, यानी कि मैं भी अपने पापा का बेटा हूँ, मैं दुश्मन को मार गिराऊंगा। तो देखिए किसने कहा, ये बालक ने माँ से कहा। ठीक है, दूसरा देखिए, सेना के भर्ती दफ्तर में तू मेरी अर्जी भिजवा दे, किसने कहा, ये बालक ने माँ से कहा। तीसरा देखिए, कर ठाए ठाए जिससे मैंने सब चूहे मार भगाए थे, किसने कहा, बालक ने माँ से कहा। तेरी रक्षा के लिए अभी तेरा यह बेटा जिंदा है, किसने कहा, बालक ने माँ से कहा। ठीक है, मैंने जो तेरा दूध पिया वह दूध कभी ना लजाऊंगा, किसने कहा, बालक ने माँ से कहा। तो देखिए बालक और माँ, ठीक है, ये कविता पढ़कर आप इस तरीके से यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए आपका, बहुविकल्पीय प्रश्न सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। तो ये भी आपका क्या रहेगा, आपका बुक वर्क रहेगा। ठीक है, पहला देखिए, माँ मैं भी जाऊँगा, डैश यानी कि जाऊँगा, तो उसमें क्या आएगा, घूमने लड़ने खेलने, घूमने, तो देखिए हमने घूमने पर लगाया है। दूसरा देखिए, माँ मेरी है डैश कहाँ जो पापा लेकर आए थे, वर्दी बंदूक टोपी बंदूक। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, आपका एनुअल कोर्स कंप्लीट हो जाता है, तो सभी बच्चे अच्छे तरीके से वर्क कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, एनुअल, ठीक है, या एनुअल लिखेंगे, एनुअल कोर्स कंप्लीट, ठीक है, एनुअल कोर्स कंप्लीट। तो देखिए सभी बच्चे अच्छे तरीके से वर्क कंप्लीट करेंगे, आपको कॉपी पर वर्क नहीं करना है, आपको कॉपी पर ही, आपको बुक पर ही वर्क कंप्लीट करना है। तो ठीक है, ये हमारा पार्ट 13 में क्या हो जाता है, हमारा पार्ट 13 में एनुअल कोर्स कंप्लीट हो जाता है। तो सभी बच्चे अच्छे से वर्क कंप्लीट करेंगे, वीडियो अच्छे से देखेंगे। ओके, थैंक यू।